मराठा राखवागन मुद्दे नूं लै के चरण च होई हिंसा दे सिलसिले च गिरफ्तार 18 चो 15 लोकां नूं पुणे दी सैशन अदालत वालों 8 अगस्त तक पुलिस हिरासत च भेज दिता गया है। जानकारी लई दस्सीए कि इन्हां चो 3 नाबालिगां नूं अदालत च पेश नहीं किया गया। डीएसपी कुलदीप सिंह सोही ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी दिंदिया दस्सिया है कि पिंड ढैपई दे 2 बच्चियां नूं अगवा करके उन्हां दी कुटमार करन वाले 4 दोषियां चों 1 नूं पुलिस ने काबू कर लिया है। उन्हां दस्सिया कि बीती 16 जुलाई नूं करणवीर सिंह अते गुरसाहिब सिंह नामी 2 बच्चियां नूं पिंड दे 4 व्यक्तियां ने अगवा करके उन्हां दी कुटमार कीती सी। थाना छेरट अधीन पेंदे इलाका नारायणगढ़ विखे अज दिन दिहाड़े 5 अनपछाते नौजवानों वालों खासा तो अजीत के पत्रकार महताब सिंह पन्नू ते गोलियां चलाईयां गईयां। इन्हां ही नहीं हमलावारा ने उन्हां ते किरपाना नाल वार भी किते। जख्मी पत्रकार पन्नू नूं फिलहाल अमृतसर दी एक हस्पताल च इलाज लई दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मौके ते पहुंच के मामले की जांच शुरू कर दी है। नवी दिल्ली के कृष्णा नगर च एक सरकारी स्कूल च अज 2 विद्यार्थियों विचाले हुई लड़ाई ने हिंसक रूप धारण कर लिया। मामूली गल ते हुई इस लड़ाई च एक व्यक्ति ने दूजे व्यक्ति ते चाकू नाल कई वार किते, जिस कारण उक्त व्यक्ति गंभीर रूप नाल जख्मी हो गया। उसनु इलाज लई हस्पताल च दाखिल कराया गया है। पुलिस का कहना यह है कि चाकू नाल हमला करन वाला विद्यार्थी 10वीं जमात च पढ़दा है ते जिहड़ा जख्मी होया है वह 11वीं जमात का विद्यार्थी है। गुजरात के अमरेली जिले च वापरे सड़क हादसे च 3 साल बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी लई दस दिए कि यह हादसा बस और ट्रक विचाले हुई टक्कर दौरान वापरिया गया, जिस च कई लोग जख्मी हुए हैं जिन्हों नेड़े दे हस्पताल च इलाज लई भर्ती करवाया गया है। दस दिए कि इस मामले ते पुलिस वालों कार्रवाई की जा रही है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC का आखिरी खरड़ा जारी होने मगरों तृणमूल कांग्रेस का एक वफद अज असाम पहुंचा सी, पर उसनु सिलचर हवाई अड्डे ते रोक हिरासत च ले लिया गया। इस वफद च 3 संसद मैंबर अते 2 पार्टी विधायक शामिल सन। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पार्टी के संसद मैंबर डेरेके ओब्राइन ने कहा है कि उन्होंने दल नु हवाई अड्डे तो हिरासत च लिया गया है। लोगों नाल मिलना साडी जिम्मेवारी हक है। उन्होंने कहा है कि असाम च संकट काल वर्गे हालात हुण पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तानी किश्ती सतलुज दरिया राही कौमांतरी सरहद अंदर दाखिल हुंदी हुई भारत आ पहुंची। खुफिया जानकारी मुताबिक लकड़ रूपी बनी यह किश्ती सरहदी पिंड ढेंडीवा आके दरिया च कंडे कलाली च आ फसी। किश्ती च कोई भी व्यक्ति सवार नहीं सी अते उस च ना ही कोई इतराज योग चीज पाई गई दसी जांदी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले च अतवादी एक बैंक के सुरक्षा गार्ड को 12 बोर राइफल खो के फरार हो गए। दसिया जा रहा है कि अतवादियों ने जिले के बराकपोरा च स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच के सुरक्षा गार्ड राइफल खोई। फिलहाल पूरे इलाके नु घेर के अतवादियों की भाल की जा रही है। केरला के एक जिले में परिवार के 4 जियां दी लाशा बरामद हुई हैं। यह लाशा घर के एक टोए तो बरामद हुई हैं। यह लाशा एक करके एक दूजे उपर टिकिया हुई सन। पुलिस ने एक व्यक्ति उसकी पत्नी ते उसके 2 बच्चों दी लाशा बरामद की हैं। पुलिस मुताबिक यह पिछले 4 दिनों तो गुआंढियों वालों देखे नहीं गए। पुलिस वालों इन्हां दी मौतों का कारण पता लगाया जा रहा है। दस दिए कि जादू टूने समेत हर पहलू नूं मुख रख के इसकी पड़ताल की जा रही है। सवेरे दिल्ली के सराय काले खां इलाके विच पुलिस ते एक गैंगस्टर विचाले मुठभेड़ शुरू हुई है। इस मुठभेड़ विच गैंगस्टर दे गोली लगी है ते उसनु जख्मी हालत च हस्पताल दाखिल कराया गया है। पुलिस वालों इस मामले की कार्रवाई की जा रही है।